हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी, जिसे हम लाई भी बोलते हैं। आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चों को मुरमुरे के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये मुरमुरे के लड्डू यानी कि लाई। So, let's begin। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें मुरमुरे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया लगभग 6 कप मुरमुरे, जिसे हम मुरही भी बोलते हैं। अगर आप इसे वेट में मेज़र कर रहे हो तो ये लगभग 200 ग्राम मुरही है और ये काफ़ी क्रिस्पी वाला है मुरही है। आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको तोड़कर दिखा रही हूँ और एक बार मैं इसे मसल कर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। हमें इसे फिर से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इसी तरीके से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप गुड़ लिया है। वेट में अगर आप इसे मेज़र करें तो ये लगभग 250 ग्राम गुड़ है और इसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप पानी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक हमारा जो गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है और अब हम गुड़ को इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है और बहुत कम भी कुक नहीं करना है। अगर आप गुड़ को ज़्यादा कुक कर देंगे तो आपका जो लड्डू है उसमें थोड़ा सा कड़वाहट टेस्ट आएगा, और अगर आप इसे कम कुक करेंगे तो आपका लड्डू फॉर्म ही नहीं होगा। इसीलिए हमें इसे इतना दूर तक कुक करना है जब तक हमारा जो गुड़ है वो गाढ़ा ना हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रॉथी हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। बीच में आप बिल्कुल इसे ना छोड़े, इसी तरीके से लगातार चलाते रहें, नहीं तो गुड़ जो है वो नीचे में लगकर जल भी सकता है और आपका लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहें। तो ये देखिए, ये काफ़ी फ्रॉथी हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्रॉथी होने में। तो ये देखिए, ये फ्रॉथी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये देखिए, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है और इसे अब हम इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मुरही। तो यहाँ पर मैं ये मुरमुरे या मुरही जो भी आप कह लीजिए वो हम इसे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 बैचेज में डाल दूंगी। तो ये गया ये पहला बैच और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं ये डाल दूंगी ये दूसरा बैच, और उसे भी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम तभी ऑफ कर लेंगे जब हम इसमें मुरमुरे ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी। और अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये मुरमुरे का मिक्सचर, ये पानी ले लिया है क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी गर्म है। और अब हम थोड़ा सा पानी इस तरीके से हाथ में अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे और अब हम लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर, यहाँ पर मैंने ये मुरमुरे का मिक्सचर लिया हाथ में, बहुत ज़्यादा गर्म है तो बी केयरफुल, थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से हम इसे लड्डू के शेप में फॉर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत आराम से इसका लड्डू बन जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने पहला लड्डू बना लिया और अब हम ये दूसरा लड्डू बनाएंगे। तो फिर से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम इस तरीके से इसका एक लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसका लड्डू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए, बन गया ना ये दूसरा लड्डू और अब हम ये तीसरा लड्डू बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे मुरमुरे के लड्डू जो है वो बनकर तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।